तो देखो अभी हम लोग विशाखापट्टनम में है, तो आरके बीच के उधर जाने की रोड पे ही है। देखो उधर एक बच्ची है, देखो शिशु हाँ। अच्छा लग रहा है ना। तो हम लोग अभी धीरे धीरे, ओ सॉरी थोड़ा हम्ब मैंने देखा नहीं, सॉरी शिशु, देख लो धीरे धीरे, ये तो आरके बीच के उधर जाने का रास्ता ही है। देख लो उधर शिप है दूर पे, then sharp right onto Dr. NTR Beach Road. NTR Beach Road. वो देखो एक बच्ची बैठे हैं उधर। तो हम लोग अभी लेफ्ट में जाएंगे। पहले हम लोग है ना पार्किंग करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। अच्छे से पार्किंग करने के बाद हम लोग आराम से एक बार देख सकते हैं। तो keep watching, stay tuned. Beach Road. Then you will arrive at your destination. गूगल मैप वाले लोग तो देख लो एनटीआर की, देख लो पार्किंग के मिल रहे, पार्किंग देखना पड़ेगा अभी। देख लो हमो इतना पार्किंग किया है, उधर देखेंगे कहीं भी मिल गया तो। नहीं तो फिर फोटो लेकर आए तो मुश्किल है ना शिशु, इसलिए मैंने, ये तो हमारी मर्जी में हम लोग आ सकते हैं जा सकते हैं। देखो इतनी टाइम हम लोग है, दोपहर में 2:30 को इधर आया तो इधर कोई नहीं था ना शोशु। तो इधर है ना शोशु जगह, हाँ इधर भी डाल सकते हैं ना हम लोग। उधर एक इधर था उधर है, इधर भी सब उधर भी जा सकते हैं, वो सेंटर है ना उधर भी जा सकते थे। इधर अंदर लेते हो तो हम लोग इधर अंदर पार्किंग है, पार्किंग में डाल कर फिर हम लोग एंजॉयमेंट करेंगे, है ना शुशु। हम लोग भी उधर डाल देंगे, हाँ ऐसे डालती हूँ, है ना। उधर शॉप है वैसे ही डाल दो ना। करेक्ट, हाय, वेलकम टू विशाखापट्टनम। तो हम लोग पहली बार है ना जोजू, रूट में एक बार राइड गया था बस, ऐसे ही है पहली बार वी आर इन विशाखापट्टनम। विशाख चोसू बोलते विशाख वैशाख, तो मेरा मैंने तो विशाखापट्टनम। तो हम लोग इधर बीच में आया है ना, ये तो कौन सा बीच है शोशु बोले, आरके बीच। हाँ आरके बीच आ गया हम लोग, पहली बार विजिट कर रहे तो एक एक्साइटमेंट अलग है ना। अच्छे है ना शोशु, हम लोग अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आया ऐसा ही हम लोग अभी सोच रहे हैं। तो बीच के उधर हम लोग रूम में गया, फ्रेशअप हो गया, वापस आ गया। अभी 4:00 होने वाला है, कुछ 4:00 हुआ, हम लोग उधर पार्किंग सब जगह है तो पार्किंग करके आ गया है। अभी हम लोग थोड़े इधर घूमेंगे, आप लोगों को भी दिखा देंगे, हम लोग भी थोड़ा देखेंगे, है ना शशु। तो जाएंगे, अभी सनलाइट ज़्यादा है इसलिए हम लोग हमारा नया घूमना सर दिखाया था आप लोगों को, लेकर आया था। हाँ तो शशि ठीक से रखो, ये डाल के चलना अच्छा लगेगा। तो हम लोग देख कर फिर मिलेंगे, कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड फ्रॉम विशाखापट्टनम। तो चले, तो देखो ये आरके बीच के उधर से रोड से ऐसे 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 नज़ारा देख लो, अच्छे है। अभी 4:00 के ऊपर है तो भी इतनी गर्मी कुछ नहीं, ठंडी हवा है, वो पानी देखने से भी अच्छा लग रहा है ना, बट फिर भी इधर का स्मेल कुछ अलग है ना शोशु। हाँ। मेरा ही दिमाग में स्मेल है, देख लो आप लोग हमारे साथ, अच्छा है, बहुत लोग है ना शोशु, इतने टाइम में भी कितने लोग आ रहे हैं। हम लोग अभी तक के मिस किया ये बीच, पहले आना चाहिए था, है ना शोशु। पिछली बार हम लोग इधर से गुजरते वक्त भी नहीं आया था, उस वक्त थोड़ा बिजी था ना हम लोग, तो उस वक्त हम लोग फर्स्ट लद्दाख राइड ख़त्म करके कन्याकुमारी में फिनिश करने के लिए आई थी, तो हम लोग थोड़ी बिजी थी, है ना शशि। तो अभी तुम पूरा किया है तो चले आप सनसेट देखो। हाँ अभी सनसेट का टाइम है, सनसेट वाइब्स हमारे साथ देख लो। तो हम लोग थोड़ी उधर बहुत कुछ है शशि, थोड़ा पार्क जैसा कुछ है, तो देखते थोड़ी दूर ऐसे वॉकिंग आ गया, तो हम लोग इधर बेलपूरी खाएंगे।
लंच ब्रेक ही नहीं था, इसलिए हम लोग सोचा तो बेलपुरी थोड़ी देर खा कर फिर तो ऐसे घूमेंगे करके। तो इधर बताया है कि 25 टू नंबर सब लोग मिल खाए। देख लो मैडम, तो देख लो इधर रूट देखने से काफी होते हैं ना। हम लोग उधर था ना एक सुल्तान, ये नहीं घोड़ा नहीं, हम लोग उधर वाराणसी में सुल्तान थे ना। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देख लो कितनी तरह। हम लोग आराम से बैठ गया, पैर में भी थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगा मुझे पूरा ऐसे ड्राइविंग करके। तो हम लोग ये कुछ खाते तो आराम से बैठ कर खाना चाहिए, बीच बीच में वीडियो लेते तो अच्छा नहीं लगता है ना शोशो। ऐसे ही भूख लगी है, लंच नहीं खाया, नाश्ता बस खाया था इडली बस, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था। अभी तो अराउंड 4:30 के ऊपर हो गया, तो एक ब्रेक ले रहे। उधर कैमल है, हॉर्स है, इधर सब कुछ है। इवनिंग में भी बहुत अच्छा लग रहा है विशाखापट्टनम, है ना शोशु। इधर हम लोग अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था ना शोशु। कीप अटिंग शेड्यूल। इस तरफ बहुत भीड़ है। तुम जाना है इसमें? वो नहीं आ जाएगा। मुझे क्या है ना, कोई भी बीच में जाते तो पानी में टच नहीं किया तो वो सब क्या सोचेगा। इतनी फीलिंग होता है, फ्रेंड्स होते हैं ना हम लोग, शोशु का ऐसा कुछ नहीं है फीलिंग। तो मैंने बताया इधर आ गया तो एक बार उसको भी टच कर दी जाए ना शोशु। आशा फुलफिल हो गया, आशा होगी। अच्छा लग रहा है ना, पहली बार आए तो वो थोड़ी जल्दी आना। आजा 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 आजा, किसको बोल रहे हैं? हम लोग जल्दी आना चाहिए था, लेट हो गया। करेक्ट है। तो थोड़ा हम लोग उस तरफ वॉकिंग करेंगे शोशु, या इधर रहे, इधर एक फोटो ले लेंगे हम लोग जाएंगे। ठंड लग रही है शोशु, है ना ठंड लग रही है। हम लोग ओवरकोट कार में ही है, लेकर नहीं आया क्योंकि ठंड लग रही है ना। मैंने शायद पानी में पैर रखा इसलिए और ज्यादा लग रहा है। नहीं ठंड लग रहा है। तो सेल्फी में ले लो हम दोनों को समुंदर के साथ। मैंने जोशी को बोला सेल्फी में आ जाओ, हम लोग समुंदर के साथ एक वीडियो बना देंगे करके। सागर किनारे दिल
ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। जोशु हम लोग अब थोड़ी देर इधर एंजॉयमेंट का टाइम कम है, जोशु हम लोग रीच हो गए अराउंड 2 बजे। मैंने बोला शोशु है ना, बोल रहे मैं पानी में इस बार टच नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला नहीं, एक बार शोशु को पक्का टच करके जाने का, करके हमारे साथ एक रिलेशन होता है ना। तो आ गया है 2:30 आ गया, रूम जाने से 3 o'clock हो गया, फिर फ्रेशअप करके आने से 4 o'clock हो गया है ना शोशु, टाइम कम है। फिर मैं अभी शोशु को बोल रही थी हम लोगों को इधर बैठने का, एंजॉयमेंट करने, फिर वीडियो लेने के ऊपर टाइम जा रहे हैं। तो अभी टाइम शोशु है, हम लोग कल भी करके कुछ भी सोचा नहीं। मैंने बताया नहीं शोशु, हम लोग है ना अभी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बहुत है ना जाने का, वापस आते वक्त तो देखेंगे करके है ना शोशु। तो अभी हैप्पी से वी आर इंट्रोड्यूसिंग वैशाखार के बीच, शोशु वैशाख वैशाख बोलते थे विशाखापट्टनम आर के बीच है पानी। एरोप्लेन देखने से कभी भी अच्छा लगता है ना, एज कितना भी हो जो एक हैप्पीनेस होता है। दोबारा आ गया प्लेन में, हम लोग करते तो भी साउंड आता है इसमें, प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा लग रहा है ना, ये तो सेल के लिए आप लोग एक कह रहे हो, उसमें थोड़ा सीख लिया तो आप लोगों को भी ऐसे साउंड आएगा है ना। देखो इवनिंग फ्लाइट व्यू, हाय बाय, हाय 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 हाय, अच्छा लग रहा है ना खुशी, वाओ। कितना फ्लाइट, कितनी फ्लाइट जा रहे हैं, हम लोग फ्लाइट में अभी तक नहीं गया है ना शोशु, बोलो हमारा फीलिंग भी इसके साथ बोल। तो है ना हम लोग अभी तक फ्लाइट में नहीं गए है ना शोशु, कभी भी उसके बारे में हम लोग सोचा भी नहीं। शोशु बोलते हैं एक बार तो जाना चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए करके, मुझे अभी तक इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर भी शोशु के लिए एक बार तो जाएंगे हम लोग जब है ना, इसलिए हम लोग ऐसे देखते तो खुशी से शोशु वीडियो लेते हैं। एक तो इवनिंग वाइब एक बार जाते ना, और एक बात है इधर बहुत फ्लाइट जाते हैं है ना, ये विशाखापट्टनम ये आर के बीच के उधर खड़े होते तो ही फ्लाइट देखने के लिए जितना भी मिलेगा ऐसे ही एक एक टाइम टाइम करके ऐसे ही जाते रहेंगे हम लोग है ना। देख कोई भी अभी भी है ना हम लोग फ्लाइट ऐसे जाते तो या हेलीकॉप्टर जाते तो सब लोग बच्चे बन जाते हैं। मेरे में बोल रही हूँ शोशु हम लोगों को जैसे है,
सब लोगों का मालूम नहीं है, फिर भी एक अच्छे लगते हैं ना। पीपा चिंग स्टेच्यू एक बार जाना, एक बार तो फ्लाइट में हम लोग जाना है, जाएंगे आशा नहीं है थी इसलिए ऐसा कोई मजबूरी ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी जा सकती थी। मैंने कभी भी इंडिया के बाहर जाने का भी मैंने सोचा नहीं, इधर भी इंडिया के डोमेस्टिक में भी मुझे फ्लाइट में जाने का इतना कुछ आशा नहीं थी, फिर भी अभी शोशु बेचारी को आशा है इसलिए मैंने बताया शोशु हम लोग जाए। तो चले, बहुत लोग विजिट कर रहे हैं ना, अच्छा बीच है हम लोग है ना, शोशु नहीं आया तो एक मिस होती थी हम लोगों के लिए लाइफ में। तो वैसे विशाखापट्टनम इतनी खूबसूरत है बीच, एक ही बीच हम लोग देखा है फिर भी हम लोगों को अच्छा लगा इसलिए बोल रहे हैं। ये बीच में आते तो आराम से बैठ सकते हैं ना शोशु, क्लीन है, कोई अभी इधर है ना स्मेल ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, पानी भी इतना क्लीन है। शायद इधर है ना सब लोग डस्टबिन में डालते होंगे, वेस्ट भी, वो एक अच्छी बात है। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो भी फिर भी लोग शायद कोऑपरेट करते हैं बीच को अच्छे रखने के लिए, सभी जगह सब लोग ऐसे करते तो हमारे पूरा इंडिया कितना क्लीन हो जाएगा है ना, हम लोगों को क्लीन टॉयलेट मिलेगा, हमारे ओल्ड टूरिस्ट प्लेसेस है ना अच्छा लगेगा। हाँ क्लीन टूरिस्ट या ये शोशु हंसते है कभी भी वाशरूम के बारे, वाशरूम अच्छा नहीं है तो भी कितनी प्रॉब्लम शुरू होते हैं लोगों के लिए, इसलिए ये सब हम लोग खुद थोड़ा करना चाहिए ना। Keep watching, stay tuned, आगे आगे ऐसे ही बक बक लेकर आएंगे है ना। हम लोग अभी बीच वाइब में थोड़ा सा वॉकिंग करके, पार्किंग उधर है गाड़ी, गाड़ी लेकर फिर हम लोग जाएंगे कम समय, क्योंकि हम लोगों को इतने ज़्यादा टाइम हम लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला एंजॉयमेंट के लिए इधर है ना। एक थ्री आवर भी नहीं हुआ, एक अराउंड 2 आवर में अराउंड 80% वीडियो के ऊपर चला गया, फिर तो 20% हम लोग है ना शोशु थोड़ा ऐसे ही टाइम स्पेंड किया है, बाकी उतना कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अभी धीरे धीरे जाएंगे, तो हम लोग अभी आर के बीच के इधर बंद कर रहे हैं ना शोशु की पार्किंग से, तो अभी भी शोशु की चामल उधर खड़ी है, चलिए एक बार देख कर जाएंगे। तो चले आगे, देखो जलकन्या को देखो कितने अच्छे है ना, अरे इसमें तो आ रहे हैं कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा लग रहा है इधर का स्ट्रीट व्यू देखो इधर पूरा।